शिवपुरी में बुजुर्ग हुआ ठगी का शिकार। दो ठगों ने 10,000 की गड्डी दिखाकर 7,000 का चूना लगाया। शिवपुरी जिले में दो ठगों ने एक बुजुर्ग को अपनी बातों में फंसाकर ठगी का शिकार बना लिया। ठग बुजुर्ग को 7,000 रुपए का चूना लगाकर रफू चक्कर हो गए। बुजुर्ग ने घटना की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने ठगों की तलाश में जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार प्रताप सिंह गुर्जर निवासी छतरी कॉलोनी ने बताया कि एक युवक समधी का लड़का मनोज बनकर उसके पास आया, जिसने उसे बातों में फंसा कर कहा कि वह एक मशीन खरीदना चाहता है, अगर आप मेरे साथ चलो तो वह दुकानदार मशीन मुझे 12,000 की जगह 10,000 में दे देगा। मैं उसकी बातों में आकर उसके साथ दुकान पर चला गया, जहां उसने मेरे साथ रखे 7,000 रुपए ले लिए और मुझे एक गड्डी पकड़ा कर कहा इसमें 10,000 है, जिनमें से 7 आप ले लेना। इसके बाद दोनों युवक 10,000 की गड्डी के नाम पर मुझे कपड़े और कागज की गड्डी पकड़ा कर फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर जांच शुरू कर दी। दादा क्या नाम है आपका? प्रताप सिंह गुर्जर। कहाँ के रहने वाले हो? छत्तीस ट्रस्ट क्वार्टर नंबर 81 में रहता हूँ। अच्छा, रहने वाले गढ़ौली के मगरवानी पास। अच्छा, क्या घटना हो गई? 7,000 रुपए ले गया ठक्कर की। कैसे? कैसे ले गया? अरे वो एक आदमी आया, बोला मेरा मुझे मशीन लेना है। तो वो आदमी दुकानदार बैठा है अपनी दुकान पे, आप चलो मैं आपकी समझ मजली समझी का लड़का हूँ, मैं तो जानता कि नहीं हूँ, तो आप की वजह से वो दे देगा 10,000 में, नहीं 12,000 में दे रहा हूँ, छेड़ भैया ठीक मदद कर दूँ। मैं वहाँ पहुँचा सुबह कहीं तुम कितने घंटी दी पहले फिर मैंने जो जो गड्डी दे दी मेरी जेब में, हम आती हैं 10,000 हैं ये हमारी। अच्छा, आके आपको हम अपे तो आपके साथ दे देंगे, बाकी ले लेंगे। काय की मशीन थी दादा? वो मशीन ले रहा था कच वो वहाँ का सुंदर पढ़ाई क्या होती। अच्छा, नाम बताया था उसने कुछ? मनोज। मनोज गुर्जर? नहीं मनोज केवल। अच्छा, वो मनोज यही जो है वहाँ लिखा था वो, बाकी मनोज सेल्स पे कहाँ पर बैठे आदमी। अच्छा 50-60 वर्ष। तो तुम्हें फ्रॉड कर दिया तुम्हारे साथ, धोखा कर दिया? धोखा कर दिया। कितने पैसे गए? 7,000। 7,000। और वो जो है बोले हम स्टाम दिया है, आप यहीं बैठो, तो इसको मशीन दूंगा और ये मशीन ले चला जाएगा आपके 7,000 जी गड्डी में, दंगे जाए धर लो मई। अच्छा,